पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद हैं। हाल ही में खत्म हुए पाकिस्तान के चुनाव भी सुर्खियों में रहे। इमरान खान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सबसे अधिक संख्या में जीते। हालांकि अब इमरान खान एक पत्र के कारण चर्चा में हैं। खबरों के मुताबिक इमरान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF को भेजा गया पत्र सामने आया है। इमरान खान की तरफ से IMF प्रमुख को लिखे गए इस पत्र में पाकिस्तान की भावी सरकार पर टिप्पणी की गई है। पत्र में नकदी संकट से जूझ रहे देश के साथ किसी और बेलआउट वार्ता पर विचार करने से पहले कम से कम 30% राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली सीटों का ऑडिट सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। पत्र की शुरुआत इस स्पष्टीकरण से होती है कि पार्टी पाकिस्तान को IMF की सुविधा के खिलाफ नहीं है। पत्र में लिखा गया है कि PTI पार्टी IMF द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता के रास्ते में अड़चन नहीं डालना चाहती, लेकिन इसकी सहायता के साथ कुछ शर्तें जोड़ी जानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के इमरान खान ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वो ग्लोबल लेंडर से किसी भी सहायता देने से बचने के लिए कहेंगे, क्योंकि अधिकारियों ने उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए चुनावी नतीजों में धांधली की है। पार्टी के उनके नॉमिनेटेड अध्यक्ष गौहर अली खान ने पार्टी महासचिव उमर अयूब खान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पत्र की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने इसकी अधिक जानकारी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि इमरान खान के गाइडेंस में पार्टी प्रवक्ता द्वारा IMF को संबोधित एक पत्र देखा गया। पत्र की शुरुआत इस क्लेरिफिकेशन से होती है कि पार्टी पाकिस्तान को IMF की सुविधा के खिलाफ नहीं है। पत्र में लिखा गया है कि PTI पार्टी IMF द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता के रास्ते में अड़चन नहीं डालना चाहती है, लेकिन इसकी सहायता के साथ कुछ शर्तें जोड़ी जानी चाहिए। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।